Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ladies and gentlemen, it is said that if you don't watch news shows, you can't be informed. But if you watch them nowadays, the chances are high that you may be misinformed. In the age when TV shows are nothing more than a battleground, where everybody talks, nobody listens, and everybody disagrees at the end. Students of class 10 have tried to present what an ideal and healthy discussion should be like. Assalamu alaikum nazreen, aaj ke is program mein main hu aapka host Mohammad Ali Anwar. और आज हम बात करेंगे इस्लाम के कुछ ऐसे मसाइल के बारे में जिनके बारे में अच्छे खासे लोग गलतफहमी में मुब्तला हैं। वैसे तो इस्लाम के ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू होती है, तनकीदें होती हैं, तराजात होते हैं, लेकिन आज हम इस्लाम के कुछ सीरियस इश्यूज़ पर तबादला ख्याल करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं अब्दुलरहमान साहब, मोहम्मद रिजवान साहब, नूरुल्लाह साहब। आप इस्लाम से रिलेटेड डिबेट्स में शामिल होते रहते हैं, हम आप सभी मेहमानों का खैर मकदम करते हैं और बेहद मशकूर हैं कि आपने हमारी दावत कबूल की। साथ ही साथ हम अपने नाज़रीन का भी इस्तकबाल करना चाहेंगे और नाज़रीन आपको बताता चलूं कि इस प्रोग्राम के आखिर में हमारे मेहमान आपके भी सवालों का जवाब देंगे। इस्लाम के मुताल्लिक ये कहा जाता है कि इस्लाम एक स्टीरियोटाइप रिलीजन है, मतलब ये कि बदलते हुए ज़माने के साथ इस्लाम खुद को एडजस्ट नहीं करना चाहता। जो कवानीन लगभग 1400 साल पहले इस्लाम ने बनाए थे, आज भी वो उसी ज़माने के ऊपर थोपना चाहता है। अब्दुलरहमान साहब, इस बारे में आपका ख्याल जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो इस गलत फहमी को दूर कर लीजिए, कि इस्लाम अपने उसूल, अपने कवानीन दूसरों पर थोपना चाहता है। इस्लाम साफ साफ कहता है ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, और जो लोग ऐसा करते हैं वो बराए नाम मुसलमान हो सकते हैं लेकिन इस्लाम की हकीकत से उनका कोई वास्ता नहीं। और आपने क्या कहा, इस्लाम बदलते हुए वक्त के साथ एडजस्ट नहीं करता? मैंने नहीं कहा, मैंने लोगों के एतराज़ात बताए। जी वही, असल में जो लोग इस्लाम को स्टीरियोटाइप कहते हैं वो इसकी हकीकत को जानने की कोशिश ही नहीं करते। इस्लाम के बारे में उनकी सारी की सारी स्टडी सेकंड हैंड है, यानी ऐसे लोग हदीस और कुरान की डायरेक्ट स्टडी किए बगैर एक राय कायम कर लेते हैं। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लाउड स्पीकर नहीं था, मुकब्बिर की मदद से नमाज़ें पढ़ाई जाती थी। जब लाउड स्पीकर का ईजाद हुआ तो कुछ उलमा ने कहा कि इसमें नमाज़ें पढ़ना हराम है, नमाज़ें नहीं होंगी। और शायद जब टेलीफोन आया था तो उस जमाने में भी ये कहा गया था कि इस पर बात करना गलत है। जी अब्दुलरहमान साहब, आपने बात मुकम्मल। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि किसी भी नई चीज को कबूल करने से पहले इस्लाम कहता है कि इसकी अच्छी और बुरी हर पहलू पर गौर कर लो। जब लाउड स्पीकर आया तो भले इसे गलत कहा गया, मगर अब सूरत हाल ये है कि ना कि सिर्फ ये जायज है बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर सहूलत होते हुए भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया और इसकी वजह से नमाजें ख़राब हुई तो इंसान इसका गुनहगार होगा। इस बात को समझिए कि इस्लाम गौर खौस और फिक्र की दावत देता है, यह अंधी तकलीफ से रोकता है। यही वजह है कि किसी भी नई चीज़ या नई रस्म को कबूल करने से पहले इस्लाम कहता है कि इसकी अच्छी और बुरी हर पहलू पर गौर कर लो। तो मतलब आपके मुताबिक इस्लाम एडजस्ट करने के लिए कहता है लेकिन उससे पहले ये कहता है कि देख लीजिए ये एडजस्टमेंट सही है या नहीं। जी देखिए, ये मामला सिर्फ इस्लाम के साथ ही नहीं है बल्कि कोई भी समझदार इंसान किसी नई चीज़ को आँख बंद करके कबूल नहीं करता। चलिए, ये तो ही एडजस्टमेंट की बात। अब आते हैं इस्लाम के एक और सीरियस इशू की तरफ। नूरुल्लाह साहब, इस्लाम के मुताल्लिक एक ऐसा एतराज़ है जो कि बहुत पुराना है, इस्लाम में औरतों के हुकूक़, यानी राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम। कहा जाता है कि औरतों को इस्लाम में उनका हक नहीं दिया जाता, उनके साथ ज़्यादती की जाती है, नाइंसाफ़ी होती है। देखिए अली साहब, ये सरासर गलत और बेबुनियाद बात है। अब्दुलरहमान साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि लोग पढ़ते नहीं हैं और गलत राय कायम करके एतराज़ करने लगते हैं। सिर्फ ये कह देने से कि लोग गलत राय कायम कर लेते हैं, बात क्लियर नहीं होती। जवाब मुकम्मल कर लेने दीजिए। देखिए, इस्लाम के आने से पहले औरत एक इंसान नहीं, प्रॉपर्टी समझी जाती थी। इस्लाम फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज्ड वुमेन एज अ ह्यूमन बीइंग, और ये एक इंकलाब था जो इस्लाम ने लाया। और प्रॉपर्टी भी ऐसी जिसकी खरीदो फरोख्त होती थी, इंसान को इसका मालिक समझा जाता था, इसका परचेज और सेल हुआ करता था। जी बिल्कुल, इस्लाम ने तो पहली दफा दुनिया को ये बताया कि औरत भी एक इंसान है और इसकी इज्जत एक औरत की हैसियत से होनी चाहिए। लेकिन ये जो कहा जाता है कि इस्लाम ने औरतों को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया या कम दिया, इसके बारे में नूर साहब, मैं इसका जवाब देता हूँ। जी बिल्कुल, देखिए इस्लाम ने बताया है कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन मर्दों और औरतों में 2:1 के रेशियो में हो,
यानी मर्दों को दो हिस्सा और औरतों को एक हिस्सा। सवाल यही उठाया जाता है कि ये तो इस्लाम ने औरतों के साथ नाइंसाफी किया, मर्दों को दो और औरतों को एक, यही तो नाइंसाफी है रिजवान साहब। इसे कोई भी नाइंसाफी ही कहेगा कि आखिर क्यों एक मर्द को ज्यादा एक औरत को कम, ऐसा क्यों? मुझे दो मिनट दीजिए, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि यह नाइंसाफी नहीं बल्कि अनइंसाफी है। जी फर्ज कर लीजिए कि मेरे वालिद ने 15,000 रुपये छोड़े हैं और मेरी सिर्फ एक ही बहन है, तो इस्लाम के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के मुताबिक मुझे कितने मिलेंगे और मेरी बहन को कितना? आपके हिस्से में आएगा 10,000 और आपकी बहन के हिस्से में 5,000। जी मेरे हिस्से में 10,000 और मेरी बहन के हिस्से में 5,000। जी कैसा डिस्क्रिमिनेशन है, इस्लाम औरतों के साथ ना इंसाफी करता है, उनको जायदाद में कम हिस्सा देता है, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर आप इस्लाम के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बस इतना ही जानते हैं तो इसका मतलब है आपने इसका आधा मुताला किया। रिजवान साहब यही तो खुली नाइंसाफी है, यही तो इनजस्टिस है कि आखिर क्यों एक मर्द है तो उसको 10,000, एक औरत है तो उसको 5,000, यही हम जानना चाह रहे हैं। यही बात यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रही। जी मैं वही वाज़े करना चाहता हूँ। देखिए अभी मेरी वालिदा है, मुझ पर उनकी जिम्मेदारी है, मेरी बहन पर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब मान लीजिए कि 10,000 रुपये में से 5,000 रुपये मैं अपने वालिदा पर खर्च करता हूँ, जबकि मेरी बहन का 5,000 फिक्स डिपॉजिट है, मेरा 5,000 खत्म हो चुका है और मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपये बचे हैं। अब मेरी शादी भी होगी, मुझे अपने होने वाली बीवी को महर अदा करना है, जबकि इस्लाम ने मेरी बहन के निकाह के लिए ऐसे कोई शर्त नहीं लगाई कि उससे अपने शौहर को महर के तौर पर रकम अदा करना है। अब मान लीजिए कि मैंने 5,000 रुपये अपने बीवी को महर में दे दिए हैं, तो फिर कितने बचे मेरे पास? आपके पास तो कुछ भी नहीं बचा। जी बिल्कुल कुछ नहीं बचा मेरे पास, बिल्कुल जीरो, सिफर, और मेरी बहन के पास 5,000। जी बताइए डिस्क्रिमिनेशन है। अभी मुझे अपने बाल बच्चों की कफालत करनी है, जबकि इस्लाम ने मेरी बहन पैसे कोई जिम्मेदारी नहीं डाली। तो नाजरीन ये था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन इस्लाम। और इस्लाम के किसी भी हुक्म के पीछे क्या हिकमत है, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, हम इसे नहीं समझते और तनकीद करना शुरू कर देते हैं। मगर एक बात जो कि इस्लाम के बारे में बिल्कुल ही आम हो चुकी है वो ये कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, मुसलमान दहशतगर्द होते हैं। और अगर आप दुनिया भर में हो रहे वाकयात पर नजर डालेंगे तो आपको मालूम होगा कि टेररिज्म की हर एक्टिविटी में कोई ना कोई मुसलमान ही शामिल होता है। आप मुझे ये बताइए कि जर्मनी में सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो लाखों यहूदियों का कत्लेआम हुआ क्या मुसलमानों ने किया था? क्या हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराने वाला शख्स मुसलमान था? क्या बर्मा में आज जो कुछ हो रहा है क्या उसमें मुसलमान ही? मैं आपके सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ। क्या गांधी जी को गोली मारने वाला शख्स मुसलमान था? क्या राजीव गांधी को बम से उड़ाने वाली औरत मुसलमान थी? क्या राजीव गांधी का खत मुसलमान ने किया? ये सब इंसिडेंट ऐसे हैं जिसमें मुसलमानों का कोई हाथ ही नहीं दिखता। आप मुझे ये बताइए कि फिलिस्तीन में आज जो कुछ हो रहा है क्या उसमें मुसलमान ही शरीक हैं? आज इसराइल को दहशतगर्द क्यों नहीं कहा था जबकि वो खुले आम और ऐलानिया तौर पर ना कि सिर्फ बच्चों का बल्कि आम शहरियों का भी कत्ल कर रहा है? लेकिन अब्दुलरहमान साहब ऐसा क्यों होता है कि कहीं भी कोई वाकया पेश आए उसमें सबसे पहले मुसलमानों का ही नाम आता है? देखिए आज हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमें मीडिया दिखाता है और आज दिनों दहशतगर्दी के हजारों वाकयात पेश आते हैं और मीडिया हमें सिर्फ वही बढ़ा चढ़ा कर दिखलाता है जिसमें कोई ऐसा शख्स इन्वॉल्व हो जिसका मुसलमानों जैसा नाम है। देखिए आप दहशतगर्दी के किसी भी वाक्य को मजहब से क्यों जोड़ देते हैं? इसमें मारे जाने वाले लोग इंसान होते हैं और मारने वाले का कोई मजहब नहीं होता। बेशक मारे जाने वाले लोगों का कोई मजहब नहीं होता। नहीं आपने अभी कहा कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, आपने इस्लाम से दहशतगर्दी का नाम जोड़ा। रिजवान साहब जैसे लोग हमेशा इस्लाम से दहशतगर्दी का नाम। रिजवान साहब मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैंने अब्दुलरहमान साहब से बस एक सवाल किया था। बेशक दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता लेकिन अब आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को आगे आ जाने की जरूरत है। आप जैसे लोग जब आगे आएंगे तो लोगों को बताएंगे कैसे दहशतगर्दी का कोई। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो चाहे किसी भी मजहब से बिलोंग करते हो वो अपने मजहब के कभी रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते। बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही कहा। तो अब हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की बात जान लीजिए और ये भी बात जान लीजिए कि दहशतगर्दी कोई नई चीज नहीं है, ये हर जमाने में रही है। बस फर्क इतना है कि आज के जमाने में इसका इस्तेमाल हुआ जा रहा है और कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नूर अफ साहब मौजूद चाहूंगा, वक्त अब हमें इजाजत नहीं देता, अब हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। इस मौजू पर फिर कभी बात होगी इंशाल्लाह। वैसे एक ऐसा मौजू जिसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमें वक्त चाहिए। तो नाज़रीन हमारे मेहमानों ने इस्लाम के बहुत ही सीरियस इश्यूज़ पर रोशनी डाली, अब हम अपने ऑडियंस की तरफ बढ़ना चाहेंगे। अगर आपके भी मन में है कोई सवाल तो आप हमारे मेहमानों से पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल बारी बारी से पूछिएगा और अगर सवाल आज के मौजू से रिलेटेड हो तो बेहतर है। जी आप, जी आप। मेरा सवाल रिजवान साहब से। हाँ पूछिए। आपने इस्लाम में जायदाद की तकसीम की तो वजाहत कर दी जी। लेकिन यह नहीं बताया कि इस्लाम औरतों को घर में कैद क्यों कर देता है? इस्लाम ने औरतों को पर्दे का जो हुक्म दिया है वो आज के दौर में उनके लिए तरक्की के राह में बहुत बड़ी रुकावट बन गया। बिल्कुल नहीं। क्या आप मुझे कोई ऐसा डेटा शो कर सकते हैं जिससे ये जाहिर हो कि पर्दा करने वाली मुस्लिम खवातीन तरक्की के दौर में शामिल नहीं हो पाती? बल्कि आप मुस्लिम मुल्कों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाकर देखें, वहाँ बाहिजाब मुस्लिम खवातीन इस मैदान के साथ अपना काम कर रही हैं। इस्लाम औरतों को इज्जत देता है,
وہ ان کو نمائش کی چیز نہیں بناتا. آج کے دور میں عورتوں کو آزادی کے نام پر مردوں کے دل بہلانے کا سامان بنا دیا گیا ہے. یقین جانیے اسلام کے پردے کی مخالفت صرف اس لیے نہیں کی جاتی کہ مسلم خواتین اپنا حجاب اتار دیں، بلکہ پردے کے مخالفین دراصل عورتوں کو بے حیائی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، جس کا اسلام سخت مخالف ہے. بہت بہت شکریہ رضوان صاحب، آپ کا ہی بہت بہت شکریہ. جی اور کوئی سوال اس طرف سے؟ ہاں جی آپ. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام جہاں ایک طرف اتحاد کی بات کرتا ہے، وہیں اسلام کے ماننے والے خود آپس میں مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں. اب تو مسلک کے نام پر خون خرابہ بھی ہونے لگا ہے. جب اسلام ایک اللہ کو پوجنے کی بات کرتا ہے تو پھر اس میں اتنے سارے مسلک کیسے پیدا ہو گئے؟ جی رضوان صاحب، اس کا جواب میں دیتا ہوں. جی دیکھیے، اسلام میں بنیادی چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مسلمانوں کا خدا، رسول، قرآن، قبلہ سب ایک ہی ہے. ہاں کہیں کہیں طریقے میں فرق ضرور ہے، جو کہ ایک نیچرل چیز ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ اختلاف کا ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اختلاف رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں لوگوں نے کبھی ایسے اپنی انا کا مسئلہ یعنی ایگو پرابلم نہیں بنایا. اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف رکھتے ہوئے بھی محبت کے ساتھ رہتے تھے. یہ تو آج کے زمانے میں ایسا ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف پیدا کر لیتے ہیں اور اس کی شدت میں اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ انسانیت کی ساری حدوں کو پار کر جاتے ہیں. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ رائے میں اختلافات کو رحمت بتایا گیا ہے، لیکن ہم نے اسے زحمت بنا دیا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جی، امام مالک کے دور میں خلیفہ وقت نے ان سے درخواست کی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ حکم قائم کروا دوں کہ آج سے سارے مسلمان مالکی مسلک کی تقلید کریں گے. انہوں نے صاف صاف منع کر دیا اور کہہ دیا کہ اس کی وجہ سے ریسرچ کے دروازے بند ہو جائیں گے. تو مسلکی اختلافات کوئی بری چیز نہیں ہے، اس میں شدت اختیار کر لینا بری چیز. بالکل، بہت بہت شکریہ نور اللہ صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، ہمارے مہمانوں نے اسلام کے اہم نکات پر تفصیل سے گفتگو کی. ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور موضوع پر اور نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے شب بخیر.